अगर नौजवानों को अपना मुस्तकबिल बचाना है तो उनको आगे आना चाहिए और राहुल जी का मोस्ट वेलकम करना चाहिए उनको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ तक आए। मैं राहुल जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो जम्मू पहुँचे, आज जम्मू में है, इंशाल्लाह वो 27 तारीख को फिर मैं एंटर हो जाए कश्मीर की तरफ, खासकर डीएचपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ। मुबारकबाद देना चाहता हूँ राहुल जी को, तैयार हैं हम इंशाल्लाह 27 को हम इनका इस्तकबाल करें काजीगुंड में। इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ से बहुत सारे लोगों को लेके जाऊँगा और इंशाल्लाह ताला कश्मीर काजीगुंड में हम उनका इस्तकबाल, राहुल जी का इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यात्रा जो है ये जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की बात। राहुल जी आज वोट मांगने के लिए नहीं निकला, वो आज निकला कि भारत जोड़ने की। भारत जोड़ने का मतलब ये है कि काफ़ी बेरोजगारी है, काफ़ी महंगाई है, इसीलिए राहुल जी निकला है। आप देखो कि सितंबर में राहुल जी निकला कन्याकुमारी से, वहाँ से उस टाइम था 40 डिग्री टेम्परेचर, आज इतनी माइनस, इतना इतनी ठंड में राहुल जी यहाँ पहुँच रहे हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कांग्रेस का यही मुद्दा मकसद है कि हर एक इंसान भाई की तरह रहे। नौजवानों को अपना मुस्तकबिल बचाना है तो उनको आगे आना चाहिए और राहुल जी का मोस्ट वेलकम करना चाहिए उनको। पूरे कश्मीर के लोगों को मेरी गुजारिश है कि वो राहुल जी की यात्रा में शामिल हो जाए और राहुल जी को इस्तकबाल के लिए, वो हर कोई कश्मीर के लोगों को मैं गुजारिश करूँ कि वो राहुल जी के इस्तकबाल के लिए आ जाए। इंशाल्लाह ताला 27 को यहाँ से काजीगुंड में हम इनका मोस्ट वेलकम करेंगे।